हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और ये देखिए, नए घर में एक के बाद एक मेहमान, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले दीदी, फिर पापा और अब मेरी ननद की बेटी। तो ये मानिए कि मेरी खुशी चार गुना बढ़ गई, क्योंकि उम्मीद भी नहीं थी कि इतने सारे मेहमान आएंगे और सब अचानक से एक के बाद एक मुझे सरप्राइज़ देने के लिए आए। और बस अभी मैं उन्हीं का स्वागत कर रही थी, मैं बैठी थी गेट पे शाम के टाइम, तो अचानक से वो आई और बस अभी मैं उन्हीं का स्वागत कर रही हूँ। लगी ऊपर से कानून लगा रहे हैं, साइकिल गिर रही थी आरू की, बाहुबली की तरह अपने पैर से साइकिल रोकने की कोशिश में अपने पैर को तुड़वा बैठी। तो देखा आपने कैसा मेरा मजाक बना रहे थे। सुबह सुबह मेरे पैर में बहुत तेज लगी थी और यहाँ पर अब मैं सब्जी बनाने जा रही थी, देखा ना तो इसमें वाइट वाइट हो रहा था, तो फिर मैंने बंद किया, फिर से इसको क्लीन किया। तो हमारे वहाँ पर खारा पानी है ना, वो बर्तनों में जम जाता है और ये नॉन स्टिकी होते हैं तो इनको खुरच के साफ़ भी नहीं कर सकते, केवल गर्म पानी से ही इनको साफ़ करते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं सब्जी बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है सब्जी बनाने के लिए। और मैं बना रही हूँ आज राजमा चावल और रायता, काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी लेकिन केवल राजमे की सब्जी जो बनाई है ना, वही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, तड़क चुका है, तो जो भी मसाले हैं वो मैंने यहाँ पे डाले हैं, जैसे कि तेज़पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, इलायची और क्या डाला था, हाँ जीरा, हींग, ये सारी चीज़ डाल के अच्छे से भून लिया। तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था ना, तो फटाफट फटाफट सारी चीज़ें डाल रही थी और जल्दबाजी के चक्कर में ये जो कटोरा है ना, ये चॉपर का जो कटोरा वो गिर गया उसके अंदर ही, क्योंकि बहुत जल्दी थी मुझे, क्योंकि तेल में है ना जीरा डालते ही जलने लगा था, तेल काफ़ी गर्म हो गया था। और पीछे से मशीन की आवाज़ आएगी तो थोड़ा सा इग्नोर करना। और यहाँ पे ना जब प्याज अच्छे से भुन गई तो मैं डाल रही हूँ बेसिक मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर, साथ में डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से ना सब्ज़ी में कलर बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी सब्ज़ी लगती है। और थोड़ा सा पानी डाल के सारे मसालों को भून लेना है, क्योंकि जब तक सब्जी में मसाले अच्छी तरह से नहीं भुनेंगे ना, आपकी सब्जी में अच्छा वाला टेस्ट ही नहीं आएगा, यानी रेस्टोरेंट टाइप का टेस्ट ही नहीं आएगा। सो मैं हमेशा है ना सब्जी में मसालों को बहुत अच्छी तरह से भूनती हूँ, और बिल्कुल तब तक भुनना जब तक कि तेल वगैरह सेपरेट होकर साइड में ना निकलने लगे, मसाला साइड में ना रह जाए, तब तक डालना है। और यहाँ पे है ना सारी प्याज वगैरह मैंने कटोरे में से निकाल के डाल दी और मसाले को चलाते भी रहना है। पानी डाल के अच्छे से देखिए आप कि मैंने कितने अच्छे से भून लिया है, तेल भी निकल चुका था मसाले से। और अब मैंने यहाँ पे दो टमाटर की प्योरे बनाई है तो वो डाल देना है और इसको भी अच्छी तरह से भून लेना है। ऐसा नहीं कि टमाटर डाला साथ ही साथ है ना सारी सब्जियाँ डाल दी, तो नहीं। और यहाँ पर मैंने डाला है राजमा मसाला, तो राजमा मसाला मैंने यहाँ पे 1.5-2 चम्मच के करीबन डाला है, क्योंकि सब्जी की क्वांटिटी भी ज़्यादा थी, तो इनको भी डाल के अच्छी तरह से भून लेना है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखो मसाला कितनी अच्छी तरह से भुन गया है, बिल्कुल लाल हो गया है। तो यहाँ पर जो राजमा मैंने सुबह भिगोए थे ना, बस उन्हीं को डाल दिया, भिगोए भी नहीं थे, जस्ट धो के रखे थे, तो वो मैंने डाल दिए हैं। क्योंकि इस कुकर में क्या होता है कि आपको आप नहीं भिगो या फिर उबालो नहीं तब भी सब्जी अच्छी बन जाती है, ये इस कुकर का, इलेक्ट्रिक कुकर का बहुत फ़ायदा है। इमरजेंसी में अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं और आपको इस तरह की सब्जी बनानी है ना, तो उसके लिए तो ये बेस्ट है। तो यहाँ पर अभी मैंने राजमे को भी मसाले में अच्छी तरह से भून लिया और 4 मैंने साबुत आलू डाल दिए हैं, क्योंकि छोटे बच्चे भी आने वाले हैं, तो मैंने कहा अगर बच्चे राजमा नहीं खाएंगे तो उनके लिए आलू हो जाएगा। और नमक डाल के सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लेना है, और उसके बाद फिर हम डालेंगे सब्जी में पानी। और पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी है, क्योंकि राजमे मेरे कच्चे हैं और कच्चे राजमे को पकने में टाइम लगेगा और वो फूलेंगे, तो पानी भी थोड़ा ज़्यादा डालना है। और उसके बाद ढक्कन की लीड लगा देंगे, और जो इसका टाइम है वो सेट कर दिया मैंने और इसकी विशल को बंद कर दिया। ये बन गई सब्जी। मॉर्निंग, सब्जी का कलर, थालियाँ हो रही हैं रेडी, पतिदेव लगे हैं सलाद में और हम बनाएंगे रोटियाँ हैं। तो दीदी तो आती रहती है, दीदी तो घर जैसी है, ये तो हमेशा आती रहती है, जो नहीं आते वो मेहमान होते हैं। तो दीदी वगैरह सब घर पे ही बैठे हैं, मैं काफ़ी देर से उनके साथ बैठी थी और अब खाने का टाइम हो गया ना, तो मैं फटाफट से गर्मा गर्म रोटियां बनाती जा रही हूँ, घी लगाती जा रही हूँ रोटियों में। और जय यहाँ पर लगा रहे हैं सबके लिए प्लेट, तो सबसे पहले मैं बच्चों को बिठाऊंगी खाने के लिए, क्योंकि उनको भूख लग रही थी। ये बच्चों की प्लेट,
चलो 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 चलो। तो मैंने ना कोई भी प्रॉपर तरीके से वीडियो शूट नहीं की, बस इतनी सी कर ली थी क्योंकि हम लोग काफ़ी देर बैठे थे। पहले हमने नाश्ता वगैरह किया, तरबूज, खीरा, खरबूजा, ये सारी चीज़ें खा ली। फिर जब सबको भूख लगी ना, तब मैं गर्मा गर्म रोटियां बना रही हूँ। और साथ में मैंने बनाया था रायता, बूंदी का और पुदीना का रायता, पालक का। और उसके साथ है ना मैंने बनाए थे राइस, और जो सब्जी है वो तो आप लोगों ने देख ली, राजमा की सब्जी। तो इतना खाना मैंने बनाया था। दो सब्जी का मुझे जैन ने मुझे एकदम सुबह ही बताया कि आज दीदी खाने पे आएंगी, तो इसी वजह से मैंने फटाफट राजमा बनाए इस वाले कुकर में, क्योंकि रात को कुछ भी डिसाइड नहीं था उनके आने का। और सुबह जैन ने बोला कि मैंने तो बोल दिया दीदी घर पे आएंगे, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी है ना राजमा की सब्जी बनाई। और इस कुकर से मुझे बहुत फ़ायदा मिला कि सब्जी मेरी आराम से बन गई, टाइम भी नहीं लगा। और यहाँ पर सब एक साथ बैठ गए थे, जय, बच्चे, दीदी, मैंने सबको बिठा दिया था क्योंकि एक डेढ़ बज गया था। हम लोग बातों में इतने खो गए ना कि ध्यान ही नहीं रहा टाइम कितना हुआ। फिर भूख लगी ना तो सब एक साथ बैठ गए। मैंने कहा डोंट वरी, मैं सबको एक साथ खिला दूंगी, बस आप लोग इत्मीनान से बैठ जाओ, मैं रोटियाँ कम नहीं होने दूंगी। तो यहाँ पर आप लोग मेरी स्पीड देख रहे हो ना, और इसी स्पीड से मैंने काम किया था, क्योंकि मेरे घर में जब कोई मेहमान आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, उनकी किसी भी खातिरदारी में कमी नहीं होनी चाहिए। और फिर मेरी दीदी तो हैं ही बहुत अच्छी, जब भी आती है ना तो घर का माहौल ही बदल जाता है, पूरे घर में रौनक रौनक हो जाती है। लेकिन वो बहुत कम आ पाती हैं क्योंकि वो जिया जी भी जॉब करते हैं और वो भी इतने नहीं आ पाती हैं, लेकिन एक दो दिन के लिए भी आती है ना तो मेरे घर का तो पूरा माहौल बदल जाता है। और वैसे भी जब से नया घर बना ना तब से मेरे घर में मेहमानों की ना लाइन लगी हुई है। पहले दीदी आई, फिर पापा आए, और अब मेरी ननद आई हैं, और अब देखते हैं कौन मेहमान आता है। और दीदी को तो मैं अभी एक दो बार और बुलाऊंगी क्योंकि अभी वो अपने मायके में रुकी हुई है ना, तो बोलूँगी कि दीदी एक दो बार और आ जाओ, क्योंकि वहाँ पर आती है ना तो उनकी मम्मी है ना उनको आने नहीं देती, बोलती है नहीं मेरी बेटी कितने थोड़े से दिनों के लिए आती है। तो वो भी कहता है ना कि माँ का मन, तो वो बस अपनी बेटी को अपने पास रखना चाहती हैं। लेकिन फिर भी दीदी पूरे दिन मेरे घर पर रुकी थी, चाय, नाश्ता, आइसक्रीम वगैरह शाम तक हम लोगों ने खूब इंजॉय किया, और दोपहर में हम लोग सो भी गए थे। लेकिन ये सारी चीज़ें ना सूट नहीं की, क्योंकि होता है ना कि थोड़ा परिवार के साथ भी रहना अच्छा लगता है, हर वक्त कैमरा लेके घूमते रहो वो भी नहीं अच्छा लगता। कितने दिनों बाद दीदी घर पे आई थी और फिर मैं कैमरे में लगी रहती, तो मुझे तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। मैंने अपना काम आप सबको दिखा दिया, लेकिन परिवार के साथ टाइम स्पेंड तो है ना मुझे करना ही था, और दीदी के साथ तो मुझे अच्छा ही लगता है। और कहते हैं ना कि भगवान हर किसी को इस तरह की नंद दें जैसी कि मुझे ये ननद मिली है। भगवान ने कम से कम ये एक रिश्ता मुझे इतना प्यारा दिया है ना कि मैं अपनी तरफ से इसको हमेशा निभाना चाहूँगी। और कहते हैं ना कि कौन कहता है कि ननद बुरी होती है, अगर ऐसी ननद हो ना तो भगवान सबको ननद दें। वो अपनी भाभी के साथ भी बहुत ही अच्छे से रहती हैं, बिल्कुल एक फ्रेंड की तरह। तो इसी वजह से इतने सालों तक इनका रिश्ता चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। भाई बहन में बहुत ज़्यादा प्यार है, भाभी ननद में बहुत ज़्यादा प्यार है। तो रिश्ते कहते हैं ना प्यार से चलते हैं, अगर उनके अंदर स्वार्थ आ गया ना तो फिर वो रिश्ते नहीं चलते, तो चाहे वो रिश्ता फिर ननद का हो या बहन का हो। तो हमारे रिश्ते में प्यार है, स्वार्थ कहीं नहीं है, दीदी की तरफ से भी नहीं, हमारी तरफ से नहीं। बस हम दोनों का एक ही स्वार्थ है कि बस सब प्यार से रहें, घुल मिल के रहें, एक दिन के लिए ही क्यों ना सही, लेकिन बड़े प्यार से रहें। और दीदी की सेवा करने में मुझे अच्छा लगता है, मुझे सुकून मिलता है, क्योंकि उनका हक है मेरे घर में आकर सेवा करवाने का, क्योंकि ननद हैं वो। और जब वो प्यार से बोलती है ना कि भाभी चाय बना दो, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरी अपनी है, क्योंकि जो इंसान है ना हक से हमसे किसी चीज़ का कहता है ना तो वही हमारा अपना होता है। और जो फॉर्मेलिटी करता है ना घर पे आके, वो उसमें उतना अपनापन नहीं लगता। तो हमारी दीदी से तो आप लोग काफ़ी बार मिले हो, यानी मेरी जो ननद हैं उनसे आप काफ़ी बार मिले हो, आपको पता है उनका स्वभाव कैसा है, और मैं बता भी चुकी हूँ कई बार। तो आज बस बहुत खुश थी मैं अंदर ही अंदर कि नए घर में इतने सारे मेहमान आए हैं, तो कहीं ना कहीं नया घर बनाना मेरे लिए बहुत शुभ है, बहुत लकी है। और देखना अभी उदम मस्ती, खाते खाते भी सब मस्ती कर रहे हैं। राजमा दे दियो खप्पू को। खाली प्लेट ना है, सब्जी खत्म हो गई, सब्जी दे दे। अच्छा वैसे क्या नहीं खाली प्लेट का है? चम्मच सब्जी। और
तो खाना पीना खाने के बाद है ना पूरा टाइम हम लोग दीदी के साथ ही बैठे थे, और अब दीदी जा चुकी हैं और यहाँ पर देखिए आरू कितनी बड़ी साइकिल चला रही है। तो गली के जो बच्चे थे ना, मैंने बोला आरू को भी बड़ी साइकिल चलाना सिखाओ ताकि उसकी हाइट है ना थोड़ी और डेवलप हो जाए। छोटी साइकिल तो वो चला लेती है, लेकिन मुझे उसको बड़ी साइकिल सिखवानी थी। तो पड़ोस के बच्चे हैं, ये लोग साइकिल सिखा रहे थे और मैं यहीं खड़ी थी, बाबा भी थे। क्योंकि जब बच्चे मेरे गली में साइकिल वगैरह चलाते हैं ना तो मुझे डर लगता है और मैं वहीं गेट पर ही बैठी रहती हूँ, क्योंकि कितने एक्सीडेंट हुए हैं वो आप लोगों को पता ही है। आरू बीच में मत आ, चलो बड़ी साइकिल चलाना तो सीखी। हाय हाय हाय, हेलो हेलो हेलो, पकड़ किनसे पकड़। हाँ क्यों तो अब है ना यहाँ पर मैंने सुबह की थोड़ी सी क्लिप लगा दी है क्योंकि आप लोगों से बाय कहना भूल गई थी। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर मेरा परिवार आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। मैं हम दोनों ननद भाभी के रिश्ते के लिए लाइक करना, क्योंकि बस दुआ करना कि ये प्यार है ना पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बना रहे।